ऐसे आपने बहुत सी घटनाएं सुनी और देखी होंगी जिसमें एक स्थान पर निकल रही शोभा यात्रा पर जमकर पथराव हुआ हो और वो यात्रा हिंदुओं की हो, फिर कई लोग इसमें घायल भी हो जाते हैं। ऐसी ही एक खबर सामने आई है बिहार से, जिसे सुन आप दंग रह जाएंगे और कहेंगे कि इन कट्टरपंथियों का कुछ नहीं हो सकता। बता दें कि बिहार के दरभंगा, भागलपुर और झारखंड के रांची में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। इस पत्थरबाजी में कई जगहों पर सरस्वती माँ की मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया और दर्जन से लोग ज्यादा घायल हुए। मतलब इनकी मानसिकता कभी भी इंसानों वाली नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि ये घटना बिहार में बीती रात 16 फरवरी को हुआ और ये कोई बात बताने वाली नहीं है कि यह पथराव मुस्लिम पक्ष की ओर से हुआ होगा, क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग आपको इसी समुदाय में मिल सकते हैं। दरअसल तहब आपू मंडल टोली की प्रतिमा लोदीपुर मुस्लिम टोली से गुजरकर मैदान तक जानी थी, लेकिन मुस्लिम टोली से गुजरते ही इसी वक्त के बीच पथराव करने लगे। इस दौरान मां सरस्वती की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसे देख भीड़ में शामिल युवक बौखला उठे और ऐसे गुस्साए कि घटनास्थल पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मौके की सूचना मिलते ही लोदीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उनके साथ केंद्र की दंगा नियंत्रण बल और अतिरिक्त पुलिस बल को भी भेजा गया और हालात को नियंत्रण में लाया गया, जिसके बाद कहीं जाकर ये पत्थरबाजी शांत हुई। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले पर भागलपुर सिटी SP राज ने क्या कहा। कुछ पूरा मामला था लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तवरपुर चौक के पास इस संबंध में तैनाती कर दी गई है। मूर्ति का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। पुलिस और मजिस्ट्रेट की कटौती की गई है। हम लोग भी मौके पर बने हुए हैं। SDPO सदर, SDPO द्वारा ऑर्डर, SDF किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं और जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को नहीं पहुँचा जाएगा। सर, सरस्वती प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, उसके बाद जांच हम लोग इसे जांच कर रहे हैं क्योंकि फैक्ट्स अभी क्लियर नहीं और इसमें कोई किसी भी संदिग्धता आएगी। सर, किसी मुखिया की बात हो रही है, कोई यहाँ के मुखिया है? जी बिल्कुल, इस संबंध में जांच किया जा रहा है। लोगों का कहना है इस संबंध में जांच किया जा रहा है और कुछ समय के बाद इसमें जांच तथ्य निकल के आएंगे, जिसकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और उस पर हम लोग तैयार करते हुए असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई। घायल सर घायल होने की बात सामने आ रही है और फायरिंग भी हुई है। इस चीज की फायरिंग की और घायल होने की जो बात है, इस चीज की पुष्टि अभी हम लोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन कराने में और अगर इसमें किसी घायल हुए उसके इलाज में कराया जाएगा। तो वही इस घटना में घायल सौरभ कुमार ने बताया कि हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, इसी दौरान तबलपुर गांव के मुखिया अपने कुछ गुंडों के साथ अचानक मूर्ति और हम लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिसमें 10 से 12 लोग बुरी तरह घायल हो गए। प्रतिमा विसर्जन के दौरान दोनों पक्षों में हुए इस झड़प में कई राउंड फायरिंग की भी बात सामने आई है, हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस प्रशासन ने नहीं की है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। आसपास लगे CCTV कैमरे के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। हिंसा के बाद घटनास्थल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने कहा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। तो वहीं CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अफवाहों पर आप लोग ध्यान न दें।